इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर की विधानसभा 1 से प्रत्याशी घोषित होने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा 1 क्षेत्र के कार्यक्रमों में लगातार शामिल हो रहे हैं, जहां गुरुवार को विजयवर्गीय ने विधानसभा 1 के चंदन नगर क्षेत्र में 2.25 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन के अलावा 13.5 लाख की लागत से बनी सड़क का भी लोकार्पण किया। दरअसल इंदौर के विधानसभा 1 में प्रत्याशी घोषित होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय लगातार क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं और अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, जिसमें सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं, जिसके तहत गुरुवार को कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा 1 के रामानंद नगर में 2.25 करोड़ की लागत से बनने वाली रिटर्निंग वॉल और 3 सड़कों का भूमि पूजन किया। वहीं 13.5 लाख की सड़क का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद और भाजपा के विधानसभा संयोजक निरंजन गुड्डू की तारीफ की और भाजपा को विकास के मार्ग पर चलने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा 1 में एक ब्रिज की आवश्यकता है और उन्होंने कहा कि अगली भाजपा सरकार में यह ब्रिज जरूर बन जाएगा। विजयवर्गीय का कहना है कि उन्होंने महू, इंदौर के विधानसभा 4 और विधानसभा 2 से चुनाव लड़ा और वहां तेजी से विकास हुआ है, वहीं ऐसा ही विकास विधानसभा 1 में भी किया जाएगा। हमने विकास दिन बनाया है और नगर निगम के माध्यम से हमारे पार्षद भाइयों की सक्रियता से इस वार्ड में लगभग 1.70 करोड़ के काम का आज हम शुरुआत कर रहे हैं। कुछ की शुरुआत की और कुछ का भूमि पूजन किया है। मैं आपको बता दूं, विकास करना ये हमारा उद्देश्य रहा है, हमेशा हमारी पहचान ही है विकास के नाम से। तो अब शुरुआत हो गई है और ये विकास रुकेगा नहीं। इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 विधानसभा विकास में भी नंबर 1 रहेगी। मैं दावे से कहता हूँ, मैंने जहाँ पर भी जनप्रतिनिधि के हिस्से से काम किया है, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे महू हो, वहाँ पर मैंने विकास किया है और यहाँ पर भी मैं विकास करूँगा और ऐसा विकास करूँगा कि लोग देखते रह जाएंगे। एक आदर्श विधानसभा 1 नंबर बनेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जहाँ पानी की समस्या नहीं होगी, जहाँ ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। मैं भी आ रहा था, आते आते मुझे लगा कि एक ब्रिज की ज़रूरत है, तो ब्रिज बनेगा यहाँ पर। मतलब बहुत सारे मेरे दिमाग में काम है जो हम काम करेंगे और हमारे सहयोगी गुड्डू भाई जैसे लोग हैं, दिनेश जी हैं, सुभाष जी हैं, ये सब हमारे सहयोगी हैं, इनके साथ हम मिलकर काम करेंगे और एक आइडियल विधानसभा क्या होती है ये बताएं।